प्रयागराज की अटाला हिंसा के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है, मस्जिदों में वॉलंटियर्स को तैनात किया जाएगा। मस्जिद कमेटी ही इन वॉलंटियर्स को तैनात करेगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है प्रयागराज अटाला हिंसा के बाद से। ये बड़ी तैयारी, ये बड़ी कार्रवाई, मस्जिदों में वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे और मस्जिद कमेटी की तरफ से ही ये वॉलंटियर्स जो होंगे वो तैनात किए जाएंगे। जिला प्रशासन को भी वॉलंटियर्स की सूची, उनकी लिस्ट दे दी जाएगी कि कौन कौन वॉलंटियर है, कहां कहां पर ये तैनात होगा। मस्जिद के भीतर उपद्रवी ना आने पाए इसकी जिम्मेदारी इन वॉलंटियर्स की होगी, बड़ी जिम्मेदारी इन वॉलंटियर्स की होगी कि जो उपद्रवी है वो ना आ पाए। प्रयागराज में कोई उपद्रवी बचेगा नहीं। जांच और गिरफ्तारी को लेकर कमेटी बना दी गई है। गिरफ्तारियां तो हो ही रही हैं, वो आप देख रहे हैं। इस कमेटी में पुलिस अधिकारी भी हैं और प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। उपद्रवियों की पहचान होगी, इस पहचान के बाद गिरफ्तारियां की जाएंगी, ये फैसला किया गया है। कार्रवाई अब हो भी रही है। सीसीटीवी फुटेज कई जगह से सामने आए हैं, उनके आधार पर पहचान भी हो रही है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई निर्दोष पर कार्रवाई ना हो। पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पहचान की जा रही है। जुमे पर मस्जिदों में अब वॉलंटियर्स की तैनाती होगी। ये प्रयागराज में से आप एक्स्ट्रा अलर्ट ये समझ सकते हैं कि जुमे पर मस्जिदों में वॉलंटियर्स की तैनाती होगी, ये बहुत जरूरी है। मस्जिद कमेटी की तरफ से ही वॉलंटियर्स होंगे जो मस्जिद के भीतर रहेंगे। कोई उपद्रवी दाखिल ना हो पाए, जिम्मेदारी इनकी होगी। जिला प्रशासन को पहले से ही वॉलंटियर्स की सूची दे दी जाएगी। और वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी क्या है? उपद्रवियों को रोकने की जिम्मेदारी, उन्हें सूचना देनी होगी सही समय पर। असामाजिक तत्वों की जानकारी ये प्रशासन को दे देंगे पहले ही, ताकि कोई अप्रिय स्थिति, कोई हिंसा, कोई तोड़फोड़, कोई पत्थरबाजी होने ना पाए। प्रशासन और धर्मगुरु, इनकी बैठक हुई है और इस बैठक में फैसला लिया गया है ये वॉलंटियर्स की तैनाती को लेकर। एक और बड़ी खबर देखिए, कानपुर हिंसा को लेकर विरोध में वीएचपी ने प्रदर्शन किया। कानपुर में जो हिंसा हुई, वीएचपी अब इसे लेकर विरोध कर रही है। जिस तरह से कानपुर में हिंसा की गई, ये देखिए बजरंग दल की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है कानपुर की हिंसा को लेकर। कार्यक्रम के अध्यक्ष अपने श्रीमान पंकज जी, श्री राम जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अपने श्रीमान पंकज जी, देखिए जालौन में अब वीएचपी और बजरंग दल ने धरना शुरू कर दिया। कलेक्टर ऑफिस परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है और धरना शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा हुई, इस बात का विरोध कर रहे हैं वीएचपी और बजरंग दल। जालौन में इस वक्त ये धरना चल रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, कलेक्टर परिसर में धरना दिया जा रहा है। ये जालौन की तस्वीरें हैं जिसमें वीएचपी के भी लोग हैं, बजरंग दल के भी लोग हैं। कलेक्टर ऑफिस में परिसर जो है वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 10 जून को हिंसा हुई थी। पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई, उसके आधार पर 357 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से एक ही समय पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हिंसा हुई, वीएचपी और बजरंग दल इसका विरोध कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।